हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम लोग बात कर रहे हैं हमारे डेली करंट अफेयर सेशन की, जो सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है हमारे दोनों चैनल्स पिनाकुलर फ्रंटियर IAS पर। आज की तारीख है 8 नवंबर 2022। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं SSCGLPinnacle.com और BaljeetDhaka.com। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, PDF एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर IAS और SSCGLPinnacle ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया। करेक्ट आंसर था नरेंद्र मोदी। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। करेक्ट आंसर था पुनीत राजकुमार। स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक प्रभाव शाखा सभी के लिए शिक्षा के लिए बायजू का नया वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गया है। करेक्ट आंसर है लियोनेल मेसी। डिटेल्स देख लो तो एडटेक प्रमुख बायजू ने फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी को अपनी सामाजिक प्रभाव शाखा एजुकेशन फॉर ऑल का पहला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। फुटबॉलर लियोनेल मेसी जो पेरिस सेंट जर्मेन के लिए खेलते हैं और अर्जेंटीना फुटबॉल टीम के कप्तान हैं, ने समान शिक्षा के कारण को बढ़ावा देने के लिए बायजू के साथ एक समझौते पर साक्षर किए हैं। हालांकि कंपनी ने यह खुलासा नहीं किया कि मेसी को बोर्ड में लाने के लिए उन्हें कितना भुगतान करना पड़ा। यह पहली बार नहीं है जब बायजू प्रमोशन और ब्रांड एम्बेसडर पर बड़ा हुआ है। 2017 में उन्होंने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। यह तस्वीर में देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MT वासुदेवन नायर को उद्घाटन केरल ज्योति पुरस्कार प्राप्त करने के लिए चुना गया है। वह किस भारतीय भाषा के लेखक हैं। करेक्ट आंसर है मलयालम। डिटेल्स देख लो तो MT वासुदेवन नायर एक प्रसिद्ध मलयालम लेखक और ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता को उद्घाटन केरल ज्योति पुरस्कार प्राप्त करने के लिए चुना गया है, जिसे राज्य पुरस्कार द्वारा पद्म पुरस्कारों की भावना से समाज में अमूल्य योगदान देने वाले लोगों को पहचानने के लिए स्थापित किया गया था। केरल ज्योति, ज्योति प्रभा और केरल शिव पुरस्कारों की 3 श्रेणियां तय की गई हैं। केरला ज्योति अवार्ड की हम बात कर चुके हैं, लेट्स टॉक अबाउट केरल प्रभा पुरस्कार। इसके लिए 3 लोगों को चुना गया है, मलयालम मेगा स्टार ममूटी, दिल्ली स्थित मलयालम नाटककार ओमचेरी NN पिल्लई और पूर्व सिविल सेवक और सामाजिक कार्यकर्ता टी माधव मेनन। केरचरी पुरस्कार के लिए चुना गया है उभयचर जीव विज्ञानी सत्यभामा दास बीजू यानी डॉक्टर SD बीजू, जादूगर गोपीनाथ मुथुकड़, मूर्तिकार कनाई कुन्ही रमन, उद्योगपति कौचोसेफ चितिलापल्ली, वैज्ञानिक MP परमेश्वरन और गायिका विजय लक्ष्मी। यहाँ तस्वीर में देख लीजिए MT वासुदेवन नायर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसराइल के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। करेक्ट आंसर है बेंजामिन नेतन्याहू। डिटेल्स देख लो तो बेंजामिन नेतन्याहू को इसराइल के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। इसराइल के पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सत्ता में आश्चर्यजनक वापसी की क्योंकि उनकी लिक्विड पार्टी और उसके दूरदराज और धार्मिक सहयोगी हाल ही में हुए इसराइल चुनाव 2022 में विजयी हुई। पिछले 4 महीनों से अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने वाले यायर लेपिड ने अंतिम परिणाम जारी होने से ठीक पहले नेतन्याहू को अपने धार्मिक और अति राष्ट्रवादी सहयोगियों के साथ संसदीय बहुमत हासिल करते हुए यह घोषणा की। यह उन्हें तस्वीर में देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से एक चंद्र रोवर भेजने की योजना बना रहा है। करेक्ट आंसर है जापान। डिटेल्स देख लो तो इसरो ने चंद्रमा और मंगल पर मिशन के बाद अब शुक्र पर अपनी नजरें जमा ली हैं और जापान की अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से चंद्रमा के अंधेरे पक्ष का पता लगाने की भी योजना है। इसरो के भविष्य के मशीनों पर प्रस्तुति देते हुए अहमदाबाद स्थित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के निदेशक अनिल भारद्वाज ने कहा कि अंतरिक्ष एजेंसी मंगल पर एक जांच भेजने की योजना बना रही है। प्रारंभिक योजनाओं के अनुसार इसरो द्वारा निर्मित एक चंद्र लैंडर और एक रोवर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास नियोजित लैंडिंग के साथ एक जापानी रॉकेट द्वारा कक्षा में स्थापित किया जाएगा। बात करें यहाँ पर जापान की,
उसकी कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है येन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय फर्म मंगोलिया की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी का निर्माण करेगी? करेक्ट आंसर है मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। डिटेल्स देख लो तो भारत की मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को मंगोल रिफाइनरी परियोजना के लिए प्राधिकरण पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें देश में मंगोलिया की पहली तेल रिफाइनरी का निर्माण शामिल है। इस कदम से मंगोलिया की रूसी ईंधन पर निर्भरता कम होगी और देश को पेट्रोल, डीजल, विमानन ईंधन और तरलीकृत पेट्रोलियम गैस जैसे पेट्रोलियम उत्पादों की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। रिफाइनरी राजधानी उलानबटार में बनेगी। एक पाइपलाइन और एक बिजली संयंत्र रिफाइनरी के संचालन का हिस्सा है। एक बार पूरा होने के बाद यह रिफाइनरी प्रतिदिन 30,000 बैरल कच्चे तेल या सालाना 1.5 मिलियन टन का प्रसंस्करण करने में सक्षम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, 3 वर्षों में चीन का दौरा करने वाले पहले G7 नेता कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है ओलाफ स्कॉल्स। डिटेल्स देख लो तो जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्स ने 4 नवंबर 2022 को चीन का दौरा किया। वह लगभग 3 वर्षों में ग्रुप ऑफ 7 यानी G7 से चीन में उतरने वाले पहले नेता बन गए हैं। उनके बीजिंग में चीनी नेता शी जिनपिंग और प्रीमियर ली केकियांग से मिलने की उम्मीद थी। यह यात्रा दुनिया भर में अर्धचालकों की कमी की पृष्ठभूमि में हो रही है, यह उन्हें तस्वीर में देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24वें विश्व संचार पुरस्कारों में किस भारतीय कंपनी ने क्लाउड नेटिव अवार्ड जीता है? करेक्ट आंसर है जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड। डिटेल्स देख लो तो 24वें विश्व संचार पुरस्कार यानी WCS समारोह की मेजबानी वैश्विक दूरसंचार मीडिया फर्म टोटल टेलीकॉम ने की। दुनिया भर के वरिष्ठ अधिकारी पुरस्कार समारोह को देखने के लिए एकत्र हुए, क्योंकि दुनिया ने 2 साल के ब्रेक के बाद अपनी गतिविधियों को फिर से शुरू किया, जो कि कोविड महामारी द्वारा लाया गया था। जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड ने लंदन में आयोजित समारोह में क्लाउड नेटिव अवार्ड जीता। जियो ने अपनी स्थापना के बाद से भारत में सबसे बड़ा और सबसे उन्नत डिजिटल कनेक्टिविटी इकोसिस्टम बनाने के लिए $50 बिलियन से अधिक का निवेश किया है। नेक्स्ट देखो, कला समीक्षक और ललित कला के विद्वान विजय कुमार मेनन का निधन हो गया, वह किस राज्य के थे? करेक्ट आंसर है केरल। डिटेल्स देख लो तो 76 वर्षीय कला समीक्षक और ललित कला के विद्वान विजय कुमार मेनन का निधन हो गया। उनके शहर में सैकड़ों कला प्रेमियों ने उन्हें सम्मानित किया। व्यासगिरी आश्रम में जहां वे पिछले 32 वर्षों से रह रहे थे और बाद में केरल ललित कला अकादमी में उनका पार्थिव शरीर रखा गया ताकि जनता के सदस्य उनके सम्मान का भुगतान कर सके। वह केरल के एक भारतीय कला समीक्षक, लेखक, अनुवादक और कला शिक्षक थे। वह कला पर सर्वश्रेष्ठ पुस्तक के लिए केरल ललित कला अकादमी पुरस्कार, विद्वानों के साहित्य के लिए केरल साहित्य अकादमी की बंदोबस्ती केसरी पुरस्कार और गुरुदर्शनम पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों के विजेता थे, यह उन्हें तस्वीर में देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवेशक दीदी कार्यक्रम का आयोजन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? करेक्ट आंसर है जम्मू और कश्मीर। डिटेल्स देख लो तो निवेशक दीदी ने वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए यानी बाय द वेमेन फॉर द वेमेन इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक IPPB ने श्रीनगर जम्मू और कश्मीर में भारत का पहला अस्थायी वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया। निवेशक दीदी पहल महिलाओं के लिए महिला के सिद्धांत पर स्थापित की गई है, क्योंकि ग्रामीण महिलाएं किसी अन्य महिला के साथ अपनी चिंताओं पर चर्चा करने में आसानी से बेहतर होती हैं। यह कार्यक्रम कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के निर्देशन में शुरू किया गया था। IPPB ने निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण के साथ मिलकर इसे लॉन्च किया है। बात करें यहाँ पर जम्मू और कश्मीर की तो इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं RK माथुर। लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश अब दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन का घर है? करेक्ट आंसर है स्विट्जरलैंड। डिटेल्स देख लो तो स्विट्जरलैंड अब दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन का घर है। ट्रेन में 100 कोच हैं जिसका माप 1910 मीटर है और इसमें 4,550 सीटें हैं। ट्रेन को स्विस आल्प्स में
पहाड़ी परिदृश्य से गुजरते हुए देखा गया था। स्विट्जरलैंड के पहले रेलवे की 175वीं वर्षगांठ का जश्न मनाते हुए देश के रेलवे ऑपरेटरों ने नई गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फोल्डिंग ट्रेन बनाने के लिए एक साथ आए, जो 100 कैरेज, वजन 2,990 टन और 1.91 किलोमीटर यानी 1.19 मील लंबी है। ट्रेन ने अपनी यात्रा में 150 यात्रियों को ढोया। बात करें यहाँ पर स्विट्जरलैंड की, तो इसकी कैपिटल है बर्न, करेंसी है स्विस फ्रैंक। क्विकली बात कर लेते हैं आज के सेशन की समरी की, तो एजुकेशन फॉर ऑल के लिए बायजूस का पहला ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है लियोनेल मेसी को। इनॉग्रल केरला ज्योति अवार्ड के लिए एमटी वासुदेवन नायर को चुना गया है, वे एक मलयालम ऑथर हैं। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू। इसरो जापान के साथ कोलैबोरेशन में एक लूनर रोवर को भेजने की योजना बना रही है। मंगोलिया की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी का निर्माण करेगी मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। 3 वर्षों में चीन का दौरा करने वाले पहले G7 नेता बने हैं ओलाफ स्कॉल्स। 24th वर्ल्ड कम्युनिकेशन अवार्ड्स में क्लाउड नेटिव अवार्ड जीता जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड ने। आर्ट क्रिटिक एंड फाइन आर्ट स्कॉलर विजय कुमार मेनन का निधन हो गया, वे केरला से बिलोंग करते थे। निवेशक दीदी प्रोग्राम का आयोजन जम्मू और कश्मीर में किया गया। और दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन का घर है स्विट्जरलैंड। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे के, आपका पहला क्वेश्चन है, बीपीसीएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अत्यधिक प्रभार किसने संभाला है। और आपका दूसरा क्वेश्चन है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। दोनों क्वेश्चन हमारे प्रीवियस सेशन से हैं, इनके आंसर नहीं आएगा तो उनको चेक कर लेना। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन।